हाइड्रोलिक जो फिल्टर होता है उसका भी साइज बढ़ाया गया है इसमें। और भाई अपने जो रियर टायर हैं वो 16-9-30 के रखे गए हैं और पायदान भी इसका ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, जो कि कई बार होता था कि किसान भाई जिसकी हाइट नीचे होती थी वो चलाते थे ड्राइविंग में उनको दिक्कत होती थी, इसलिए इसकी जो ये हाइट है ये ऊपर की तरफ बढ़ा दी गई है। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है इको स्पोर्ट और इको प्लस, तो वो भी दिखाएंगे आपको एक बार चारों तरफ। योगेश भाई अपने साथ में लगे हुए हैं, एक बार दिखा दें और फिर एक ही पॉइंट ट्रैक्टर का दिखाया जाएगा और बताया जाएगा उसके बारे में। तो पीछे तो वही है अपने भाई, ये साइड में आ गई है इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर की, और ये जैक आता है इसके अंदर, और भाई ये टूल साइड में लगा दिया और ये बोतल का स्टैंड साइड पे आ गया। तो कुल मिला के जो उस ट्रैक्टर में इसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। पीछे जो टायर साइज अपना 16-9-30 का है, जो पहले अपना सिंपल 56-20 आ रहा था उसमें कोई पीछे रियर वेट नहीं था, लेकिन अब अपने टीस में 50 kg का दिया हुआ है, जो कि पीछे वेट बढ़ने के कारण ताकि अपनी बाजोत में ट्रैक्टर की ग्रिप बने। और जो ये एक्सीलेटर है ये अपना किस तरह का बोलते हैं इसको योगेश, इलेक्ट्रिक आ गया है, जो कि वायर वगैरह इसमें नहीं है, जो कि अपने रेस के अनुसार जो चलता है लोड के अनुसार अपना ये अपना जो टैंक से आ रहा है अपना डीजल का जो टी बोलते थे जिसको, उसका साइज छोटे के बगैर ये एक फिल्टर टाइप में दे दिया गया है जिसमें ऑन ऑफ यहाँ से दिया गया है, और जो भी कचरा वगैरह होगा पानी होगा वो साफ क्लियर इसमें दिखाई देगा, और इससे आगे फिर डीजल की सप्लाई होगी, क्योंकि जो भी डीजल में दिक्कत कचरा है या मिलावट है या पानी है वो इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे सेंसर लगा हुआ है, आगे प्रॉपर तेल की ही सप्लाई होगी, ना कि किसी डीजल में मिलावट वगैरह होगी तो वो आगे सप्लाई नहीं लेगा। और ये सालो जो डीजल लाइन से आगे आपने ये फिल्टर दे दिए जी, अपने जो ये ऑयल फिल्टर दो आगे हैं, जो भी कचरा वगैरह जो भी होगा इनसे सब, और इसमें कोई